चाचा, अगर इस बार अगर आप जीतेंगे तो यहाँ की जनता के लिए किस तरीके की फैसिलिटी मुहैया करा सकते हैं? नहीं, हम तो लगातार जनता को सुविधाएं मुहैया कराते चले आए हैं, आगे भी सुविधाएं मुहैया कराएंगे। जिस तरीके से शहर के चौराहों पे कैमरे वगैरह होना चाहिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं अगर आता हूँ नगर पालिका में तो जो मेन चौराहे हैं उन पर कैमरे लगाए जाएंगे ताकि किसी घटना का पता लगाया जा सके। एक पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें प्रतिबंधित प्रत्याशियों को जो है रावण बताया था, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अरे भाई, प्रतिबंधित विपक्षियों को रावण बताया तो इसका मतलब ये कि हम ब्राह्मण के वंशज हो गए। भाई रावण भी पंडित था, तो जब हमें रावण का रावण बताया जा रहा है तो इसका मतलब हम ब्राह्मणों के वंशज हो गए, हमारे वंशज थे ब्राह्मण। भाजपा प्रत्याशी के साथ में जो है मौजूदा विधायक भी लगे हुए हैं, तो ऐसे में कैसे आप जीतेंगे? तो भाजपा विधायक ही तो लगे ना उनके साथ, जनता थोड़े, जनता तो हमारे साथ है। भाजपा विधायक के लगने से थोड़े कुछ होगा, और कोई जादूगर नहीं भाजपा विधायक जो वोट डलवा देंगे कहीं। एसोसिएशन जो है वो भी भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में, इस पर आप क्या कहेंगे? उसमें ऐसा है, देखिए उनका राइस मिल है, उनका फ्लोर मिल है, और सत्ता के दबाव में कि हम तुम्हारा फ्लोर मिल बंद करा देंगे, तुम्हारा राइस मिल बंद करा देंगे, तो आदमी अपनी इज्जत बचाने के लिए तो कहीं ना कहीं तो जाएगा, उनकी मजबूरी है उनके साथ जाना। कितने वोट से जीतेंगे इस बार? लगभग 5,000।